अब देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 100 की। आरजेडी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और बिहार की जनता से विकास का वादा किया। आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में सरकारी नौकरी को लेकर तमाम वादे किए। सरकारी नौकरी में बिहारियों के लिए 85% आरक्षण की बात कही। आरजेडी का घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी ने बिहार के विकास का प्रण लिया और 10 लाख बेरोजगारों की नौकरी देने का वादा भी किया। आरजेडी ने बिहार के लोगों के लिए 1500 रुपए का भत्ता देने की बात भी कही, साथ ही नए उद्योगों के लिए टैक्स छूट की बात भी कही। आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में गरीबों का भी ख्याल रखा और फ्री डायलिसिस की साथ साथ गांव में सीसीटीवी लगवाने की बात कही। घोषणा पत्र में किए गए वादों का उल्लेख करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नौकरी देने के नाम पर बीजेपी लोगों को बेवकूफ बना रही है। उन्होंने कहा उनका वादा असली है। बीजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा अंतिम सांस तक रहूंगा पीएम मोदी के साथ। चिराग पासवान इस दौरान ये कहते हुए नजर आए कि पीएम मोदी से मेरे संबंध मधुर हैं और हमेशा रहेंगे, मैं पीएम मोदी के विकास की सोच से जुड़ा हुआ। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा, कहा नीतीश को चिंता थी कि पीएम बिहार में क्या बोलेंगे। औरंगाबाद में आज चिराग पासवान ने रोड शो किया, एलजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लखीसराय में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रैली करेंगे। उनकी ये रैली दोपहर 3 बजे है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को वोट देकर बिहार को और बर्बाद मत कीजिए। बिहार में फ्री कोरोना वैक्सीन के बीजेपी के दावे पर शिवसेना नेता संजय राउत की चुटकी लेते हुए कहा कि एक जमाने में घोषणा थी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अब नई घोषणा हो गई है तुम मुझे वोट दो हम तुम्हें वैक्सीन देंगे। इनकम टैक्स विभाग ने बिहार कांग्रेस कार्यालय पर छापेमारी की, इस दौरान यहां से एक कार में 8 लाख रूपये मिले। इस मामले में कांग्रेस नेताओं से पूछताछ हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में बीजेपी ने एक और वीडियो जारी किया, इसके जरिए पार्टी ने एक साथ सभी विरोधी दलों पर निशाना साधा। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। तिरंगे को लेकर महबूबा मुफ्ती के बयान पर सियासत गंगाई हुई है। महबूबा बोली 370 की वापसी तक नहीं उठाऊंगी तिरंगा। महबूबा के बयान पर बीजेपी आग बबूला हो गई, महबूबा पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की है। कोलकाता में दुर्गा पंडाल में टीएमसी सांसद नुसरत जहां के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। अष्टमी के मौके पर सांसद नुसरत जहां ने एक पंडाल में डांस किया। पीएम मोदी ने आज गुजरात के लोगों को बड़ी सौगात दी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम गुजरात में 3 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन उनके जरिए हुआ। इस दौरान पीएम मोदी ने किसान सूर्योदय योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली मिलेगी। इस योजना के लिए गुजरात सरकार ने 3500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया जिसे 2023 तक पूरा करने की तैयारी है। इसके साथ ही पीएम मोदी टेली कार्डियोलॉजी ऐप और गिरनार रोपवे का उद्घाटन भी किया। रोपवे से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर महज 7 मिनट में ये दूरी तय हो पाएगी। तिरंगे को लेकर महबूबा मुफ्ती के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। महबूबा बोली 370 की वापसी तक तिरंगा नहीं उठा। महबूबा के बयान पर बीजेपी भी इसका विरोध कर रही है। महबूबा पर देशद्रोह का केस दर्ज कराने की मांग है। अलीगढ़ में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई जिससे कि एक शख्स की मौत हो गई। इंदौर में एक कार अनियंत्रित होकर खाई में पलटी जिससे कि 2 लोगों की मौत हो गई। बंगलौर में जमकर बारिश हुई, आलम यह है कि कई इलाकों में पानी भर गया और लोगों का काफी परेशानियों से सामना हुआ। बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। त्योहार के वक्त में ऐसी बारिश से लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं। विशाखापट्टनम में नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चे डूब गए जिससे कि 3 लोगों की मौत हो गई। खबर मिलते ही परिजनों में मातम पसर गया। फिरोजाबाद में एक शख्स ने पुल से कूदकर जान देने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने समय रहते उसे बचा लिया, उसे अस्पताल पहुंचाया। शारजाह में खेले गए मैच में टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 115 रन का टारगेट दिया। जवाब में मुंबई ने 12.2 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 116 रन बनाकर मैच जीत लिया। अजमेर में वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद खूंखार पैंथर को पकड़ लिया। पिछले कुछ दिन में पैंथर ने कई जानवरों को अपना शिकार बनाया था।
आईपीएल के 41वें मैच में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 विकेट से हरा दिया। आईपीएल के इतिहास में सीएसके पहली बार प्ले ऑफ की रेस से लगभग बाहर हो गए। ओपनर ईशान किशन ने नाबाद 68 और क्विंटन डिकॉक ने नाबाद 46 रन बनाए। दोनों ने मिलकर चेन्नई सुपर किंग्स की कमर तोड़ी। आईपीएल में पहली बार चेन्नई लीग राउंड में 8 मैच हारी है। इससे पहले चेन्नई 2010 और 2012 में लीग में 7-7 मैच हारी थी। इस हार के बाद प्लेऑफ के लिए चेन्नई का सफर लगभग खत्म हो गया। आईपीएल में पहली बार किसी टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 विकेट से हराया है। इससे पहले 2008 में वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने ही धोनी की टीम को 9 विकेट से हराया था। किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से कप्तान रोहित शर्मा चेन्नई के खिलाफ मैदान पर नहीं उतरे। उनकी जगह किरण पोलार्ड ने टीम की कप्तानी संभाली। चेन्नई की शुरुआत बेहद खराब रही। ऋतुराज गायकवाड़ बिना खाता खोले ट्रेंट बोल्ट की बॉल पर आउट हो गए। इसके बाद अंबाती रायडू और एन जगदीशन चलते बने। आईपीएल के 42वें मैच में आज कोलकाता और दिल्ली के बीच में टक्कर होनी है। कोलकाता पॉइंट टेबल में 5 मैच जीतकर चौथे नंबर पर है, तो वहीं दिल्ली 7 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है। आईपीएल में आज पंजाब का मुकाबला हैदराबाद से है। पंजाब पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर है, तो कोलकाता 6 नंबर पर। मैच शाम 7:30 बजे होगा। दिल्ली एक बार फिर से जहरीली हवा की गिरफ्त में है। धूप निकलने के बाद भी हवा में धुंध देखी जा रही है। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में पूर्वी दिल्ली नगर निगम की ओर से प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इसके तहत वाटर गन की मदद से पेड़, सड़कों और वाहनों पर पानी का छिड़काव किया गया। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महानिशा की पूजा अर्चना की। सीएम योगी हवन और अनुष्ठानों में शामिल हुए। इसके बाद सीएम योगी ने मंदिर के बाहर जौ के पौधे को वैदिक मंत्रों के बीच में काटा और जन कल्याण के लिए कामना की। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। पंडालों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को अनुमति मिल रही है। अयोध्या में नवरात्र के मौके पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। रामलीला को देखने के लिए लोग एहतियात बरत कर पहुंच रहे हैं। रामलीला में अभिनेता बिंदु तारा सिंह हनुमान की भूमिका निभा रही है। प्याज की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकार ने स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। अब रिटेल कारोबारी 2 टन और होलसेल कारोबारी को 25 टन प्याज का स्टॉक रखने की इजाजत होगी। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट बिरला ग्रुप की रिटेल कंपनी आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल की 8% हिस्सेदारी खरीदेगी। यह सौदा करीब 1500 करोड़ रूपये का है। आतंकियों और आतंकी संगठनों को पनाहगार बना पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा झटका लगा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने फैसला किया है कि पाक को अभी भी ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। चीन की स्मार्टफोन कंपनी एमआई इंडिया ने पिछले हफ्ते त्योहारी सेल में एक हफ्ते में 50 लाख फोन की बिक्री की है। कंपनी ने यह जानकारी दी। अमेरिका के वॉशिंगटन में पाकिस्तान दूतावास के बाहर कश्मीरी पंडितों के संगठन और दूसरे समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। 1947 में कश्मीर में कबायली के वेश में पाकिस्तानी सेना के धोखे से हमला करने का विरोध किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि नागोर्नो काराबाख इलाके में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रही जंग में अब तक 5000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। पुतिन ने बैठक में कहा कि दोनों ही पक्षों से 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पुतिन का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में टर्की खुलकर अजरबैजान के समर्थन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एयर इंडिया 30 अक्टूबर को वंदे भारत मिशन के तहत पहली बार वुहान फ्लाइट भेजेगा। नई दिल्ली से वुहान जाने वालों को होटल में 14 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा। WHO ने चेताया है कि कोरोना की स्थिति अभी और भी गंभीर होगी। WHO चीफ ट्रेड्रोस ने कहा कि अगले कुछ महीने बेहद टफ होने वाले हैं। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 4,23,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 11,46,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 87,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 8,74,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 14,80,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 25,000 के पार है। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 53,32,000 से ज्यादा संक्रमित हैं।